असलम स्टूडेंट्स दिस लेक्चर इज़ रिकॉर्डेड बाई सरहद एजुकेशन सिस्टम फॉर क्लास फोर दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ जनरल साइंस ओपन योर बुक्स ओपन योर बुक्स पेज नंबर फाइव फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी को किस तरह से डिवेलप किया गया है कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं उसमें सेल टिश्यूज़ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम किस तरह से मिलकर जो है वो एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाती है और उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं फर्स्ट ऑर्गन हमने डिस्कस किया था टीथ और उसके डिफरेंट टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं सेकेंड जो है वो है हमारे पास बोन्स बोन्स जिनको हम क्या कहते हैं हड्डियाँ भी कहते हैं जैसे आपने देखा होगा कि हड्डियाँ जो हैं वो हमारे जिसम में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं मतलब कि अगर ये बोन्स ना होती तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ढीली होती बिल्कुल जो है वो स्टेबल ना होती स्टिफ ना होती एक ही जगह पर पड़ी रहते तो बोन्स का जो है वो आपके ज़िंदगी में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल है तो यहाँ पर हम डिफरेंट बोन्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये कि बोन्स जो है वो असल में है क्या चीज़ और किन चीज़ों से मिलकर बनी है सो so बोन्स जो हैं वो यूजुअली लिविंग टिश्यूज़ होते हैं एक ऐसे टिश्यूज़ सेल्स uh, का एक ऐसा मजमू जो कि लिविंग जानदार है और उनके अपने ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स मीन्स के उनके अंदर जो है वो खून की नालियाँ होती हैं रगे दौड़ रही होती हैं जो कि बोन्स को अंदर तक जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती हैं ब्लड वेसल्स आर मेड ऑफ़ लिविंग सेल्स विच हेल्प देम टू ग्रो एंड टू रिपेयर देम जिसकी मदद से क्या होता है कि आपकी बोन्स ग्रो करती हैं बढ़ती हैं और अगर कहीं से डैमेज हो तो वो रिपेयर भी हो सकती हैं सो so, बोन्स जो हैं वो कौन कौन से न्यूट्रेंट से बनी हैं प्रोटीन्स मिनरल्स एंड वाइटमिनस ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं जो आपकी बोन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सो so, uh, पैदाइश के वक्त जो इंसानी जिसम में टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स हैं वो थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड वो बिल्कुल नर्म हड्डियाँ होती हैं लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बॉडी ग्रो करती है तो वो जो बोन्स होती हैं 300 हंड्रेड बोन्स एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाती हैं जुड़ जाती हैं और रिमेनिंग बोन्स कितनी रह जाती हैं टू हंड्रेड एंड सिक्स इट मीन्स कि एक एडल्ट में जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितनी है टू हंड्रेड एंड सिक्स तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बोन्स जो हैं वो लिविंग टिश्यूज हैं तो इट मीन्स के लिविंग टिश्यूज से बनी है तो इट मीन्स कि ये ग्रो कर सकती है ये एक जानदार टिश्यूज से बनी हुई है और न्यूट्रेंट्स भी उनमें क्या है प्रोटीन मिनरल्स एंड वाइटाम्स जैसे यहाँ पर आपको एक स्केलेटन शो हुआ है ठीक है ये एक हड्डियों का एक ढांचा सा है हर एक पार्ट देखें जैसे आपका जो हेड वाला पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं स्कल स्कल जो है वो खोपड़ी भी जिसको हम कहते हैं इसके अंदर आपका ब्रेन होता है ब्रेन चूँकि एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है बहुत हसास पार्ट है आपकी बॉडी का तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द एक हार्ड बोन होती है जिसको क्या कहते हैं स्कल इसके अलावा नीचे रिब्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं पसलियाँ भी कहते हैं उस रिब्स के अंदर हार्ट होता है आपका तो हार्ट जो है वो आपका एक मेन ऑर्गन है जो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है तो इसलिए जो हार्ट है वो भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स मौजूद होती हैं जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं इसी तरह एक लॉन्ग बोन आपको नज़र आएगी जिसको हम क्या कहते हैं बैक बोन ठीक है कमर की जो हड्डी जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं ये क्या करती है कि आपकी बॉडी को खड़ा होने में मदद देती है इसका ये अहम रोल है अगर ये बैकबोन ना होती तो आप जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स में जो बैकबोन नहीं होती तो वो ज़मीन पर ऐसे रींग रहे होते हैं तो इस तरह से आपकी बॉडी खड़ी ना हो सकती देन डिफरेंट यहाँ पर और बोन्स दिखाई गई हैं पैल्वस बोन्स कहते हैं जो यहाँ ये आपकी इंटेस्टाइन जो आते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं इसी तरीके से ये जो आपकी लेग बोन्स हैं ठीक है थीके? ये आपको चलने में मदद देती हैं यहाँ पर बोन्स के अंदर भी जो है वो कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं फैट सेल्स और ये फैट सेल्स में दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स होती हैं ब्लड सेल्स की वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल और इन दोनों ब्लड सेल्स का अपना अपना फंक्शन होता है जैसे कि रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन देता है और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी को किसी भी बैक्टीरिया या जो बाहर से आने वाला कोई भी पैरासाइट जो है वो उससे प्रोटेक्ट करता है तो आगे हम यहाँ तो मैंने जनरली आपको बोन्स के थोड़े से फंक्शन बता दिए आगे हम पढ़ते हैं मज़ीद कि पहला जो फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन ये आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है ब्रेन और जो हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है उसकी हिफाजत करता है जैसे यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन जो आपकी खोपड़ी है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है केज प्रोटेक्ट्स हार्ट जो केज है जो पसलियाँ हैं वो आपकी जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और पेल्विस बोन्स जो हैं वो आपकी इंटेस्टाइन आपकी आंतों को प्रोटेक्ट करती हैं और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं सेकेंड जो फंक्शन है वो है सपोर्ट बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द अटैचमेंट ऑफ़ मसल्स एंड अदर टिश्यूज़ बोन्स जो है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है इसके साथ बहुत सारे मसल्स भी पट्टे जिसको हम कहते हैं वो भी अटैच होते हैं और दूसरे टिश्यूज़ भी साथ जुड़े होते हैं ताकि आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकें मूवमेंट बोन्स आपकी बॉडी को हरकत देने में हेल्प करती हैं जैसे आपकी जो लेग बोन्स हैं वो आपको मूवमेंट में एक, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन बोन्स के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो क्या ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और उन दोनों का ही बहुत अहम काम है तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ये ब्लड ब्लड के जो बोन्स होती हैं बोन मैरो जिसको हम कहते हैं उसके अंदर ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सो so, यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो विच इज फाउंड इन द बोन कैविटीज अब हड्डियों के दरमियान जहाँ पर जोड़ होते हैं हड्डियों के जब दो बोन्स मिलती हैं तो उनके दरमियान जॉइंट होते हैं जोड़ होते हैं तो वहाँ पर कुछ एक गुदा सा मौजूद होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो तो ये जो बोन मैरो है वो आपके ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है सेकेंड आपके पास क्या है मसल्स जिनको हम क्या कहते हैं पट्टे मसल्स असल में क्या होते हैं जैसे आपने अपने जो है वो बाज़ुओं पर देखी होंगी मसल्स जो एक बिल्कुल गोश का एक आ, होता है फाइबर सा होता है उसको क्या कहते हैं मसल्स आपकी टांगों के साथ हड्डियों के साथ आसान अल्फाज में ये कि आपकी हड्डियों के साथ जो गोश लगा होता है उसको क्या कहते हैं मसल्स कहते हैं तो साइंस के ज़बान में इसको क्या कहेंगे एलोंगेटेड फाइबर्स ऑफ द ऑफ द बॉडी विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मोशन आर कार मसल्स एक ऐसे लंबे रेशे जो आपकी हड्डियों के साथ लगे होते हैं और जो सुकड़ते हैं और फैलते हैं और आपकी बॉडी को हरकत देते हैं ऐसे फाइबर्स को क्या कहा जाता है मसल्स मसल्स जो है वो पूरा आपका की बॉडी का मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं हमारी बॉडी में सिक्स हंड्रेड सो दे डू एवरी थिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट इन आवर बॉडी जब भी हम किसी भी तरह की हरकत करना चाहें तो ये हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं इट सर्व्स टू होल्ड द स्ट्रक्चर टूगैदर एंड कीप दैम स्टेबल इसी तरह ये आपके जो पूरा ढांचा होता है आपकी बॉडी का उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं और आपकी बॉडी को स्टेबल भी रखते हैं और इसके साथ साथ एक और इसका मेन फंक्शन क्या है कि दे हेल्प अस इन पंपिंग ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी एंड हेल्प अस इन लिफ्टिंग आवर हैवी स्कूल बैग्स आपकी बॉडी का जो एक मेन ऑर्गन uh, है ब्लड तो वो क्या करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसको पंप करने में हेल्प करता है जैसे आपका जो हार्ट है उसका क्या फंक्शन मैंने अभी बताया था आपको कि वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है और आपकी जो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है तो इस तरीके से आपका हार्ट भी मसल से बना हुआ है तो ये आपके लिए एक पंपिंग ऑर्गन की तरह ही काम करते हैं और इसके अलावा अगर आप अपना भारी जब स्कूल बैग उठाते हो तो आपके स्कूल बैग को उठाने में भी हेल्प करते हैं मसल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप uh, के कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ जुड़े होते हैं जैसे अगर मसल्स बोन के साथ अटैच होंगे तो उनके दरमियान एक जो उनको जोड़ने के लिए एक कनेक्शन सा होता है वो क्या होता है टेंडेंस उसको हम टेंडेंस कहते हैं ठीक है टेंडेंस क्या है असल में कनेक्टिव टिश्यूज़ ही होते हैं वो टिश्यूज़ जो दो मसल्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं उनको क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं इसी तरह एक और टर्म है यहाँ पर लीगमेंट्स लीगमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं दो बोन्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि मसल और बोन को मसल जब बोन के साथ अटैच होता है तो उन दोनों के दरमियान क्या कनेक्शन होगा कौन सी चीज़ होगी टेंडन्स होंगे लेकिन अगर बोन बोन के साथ दूसरी बोन के साथ अटैच होगी कि तो उनके दरमियान कौन सा कनेक्शन होगा लीगमेंट्स का लिगमेंट्स और टेंडेंस ये दोनों ही टाइप्स हैं कलेक्टिव टिश्यूज की जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है कि अगर मसल्स बोन के साथ अटैच होंगे ठीक है तो यहाँ पर ऑर्गन आपको नजर आ रहा होगा एक टिश्यू सा उसको क्या कहेंगे टेंडेंस ठीक है लेकिन अगर बोन और बोन अटैच हो रहे होंगे तो उनके दरमियान क्या होगा लिगमेंट्स पाए जाएंगे ठीक है सो ये तो हो गए मसल्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्टमक स्टमक जो है जिसको हम क्या कहते हैं मैदा जैसे आप अगर खाना खाते हो तो आपका जो खाना है वो कहाँ जाता है आपके मैदे में जाता है और मैदे में आ, क्या काम होता है उसका ताकि वो उसको डाइजेस्ट uh, कर सके उसको हजम कर सके सो so, अब पढ़ते हैं स्टमक के बारे में इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर इट लाइज जस्ट बिलो द रिप्स इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी Its volume is about 1 to 5 liters. The walls of stomach are made up of elastic and smooth muscles. Stomach contain gastric juices which digest the food. Gastric juice also kills the germs. अब stomach क्या है? एक बिल्कुल sac like organ है, ठीक है? जैसे कि एक मसल से बना हुआ, जैसे आप example लेने balloon की, ठीक है? अगर इस type का आपने कोई balloon देखा होगा तो आपका स्टमक भी उसी उसी तरह का बना हुआ है और उसी तरह से एक स्टेफ सा एक आ, एक नरम सा ऑर्गन है जो कि मसल से बना हुआ है ठीक है और इसका कहाँ से शुरू एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है एलिमेंट्री केनाल आपके जो डाइजेस्टिव जो ख़ुराक हज़म करने के लिए आपका एक पूरा प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है माउथ से जैसे शुरू होता है माउथ से लेकर स्टमक तक तो वो एक लॉन्ग ट्यूब सी होती है एक नाली सी होती है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री केनार, ठीक है तो अब ये स्टमक जो है वो कहाँ पर लाई करते हैं रिब्स पसलियों के नीचे जो है वो नीचे वाली साइड पर स्टमक मौजूद होता है और आपके जो छाती है चेस्ट कैविटी है उसके लेफ्ट साइड पर होता है अच्छा कितना वॉल्यूम होता है इसका वन टू फाइव लीटर्स इट मीनस के वन से फाइव लीटर्स तक ये जो है इसका वॉल्यूम होता है इसमें आपका जो भी मटेरियल अगर जाना चाहे तो वन से फाइव तक ये उसको एडजस्ट कर सकता है कर सकता है उसमें अच्छा इसकी वॉल्स जो हैं वो एक लचकदार और बिल्कुल हमवार मसल से मिलकर बनी हुई है बिल्कुल स्मूथ सा होता है और इसके अंदर डिफरेंट जूसेस बनते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जिसको हम कहते हैं ठीक है और ये इन जूसेस का क्या काम होता है कि आप जब फूड कोई खा रहे होते हो कोई भी फूड तो वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो कहाँ जाता है आपके स्टमक में जाता है तो स्टमक उसको ख़ुद तो तोड़ नहीं सकता है स्टमक के अंदर कुछ ऐसे जूसेस बनते हैं जो कि आपके फूड को तोड़ने में मदद देते हैं तो इन जूसेस को क्या कहा जाता है गैस्ट्रिक जूसेस और दूसरा इनका क्या काम है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो आपके जर्म्स को भी किल करते हैं जैसे अगर आप कोई फ़ूड ले रहे हैं और अगर उसके अंदर जो है वो कुछ जरासीम शामिल हो गए हैं कुछ जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह ऐड हो गए हैं तो क्या होगा कि जब वो फूड स्टमक तक पहुंचेगा तो ये इसके अंदर जो जूस है गैस्ट्रिक जूस वो फूड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देगा इट मीन्स के गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ना सिर्फ आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हजम करने में मदद देता है बल्कि वो जरासीम को भी ख़त्म कर देता है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है आपकी बॉडी का स्किन जिसको हम क्या कहते हैं जिल्द भी कहते हैं अब आपने अक्सर अपनी बॉडी पर अपने हाथों पर पाँव पर देखा होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर एक हल्की सी स्किन लगी हुई है ठीक है कवरिंग है जिसको हम क्या कहते हैं स्किन कहते हैं तो आपकी पूरी बॉडी पर जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है स्किन कहा जाता है अच्छा स्किन का एक और भी काम होता है कि जैसे आपको अगर कोई आ, आ, किसी गर्म चीज़ के साथ आपका हाथ लग जाए तो आपकी स्किन को फ़ौरन से फील होता है कि हाँ हाँ जी ये चीज़ जो है वो गर्म है या ये ठंडी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्किन जो है वो आपके लिए एक सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है एक हसास ऑर्गन की तरह जो बाहर से आने वाले जो आउटर इन्वायरमेंट से आने वाले जितने भी चेंजेस हैं वो उनको डिटेक्ट करता है उनको आपको की स्किन को फील होता है सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ सेंट टू ब्रेन और बाहर से जितने भी चेंजेस आपकी स्किन पर लगती हैं तो वो चेंजेस क्या बताएं कि आपकी सीधी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे आपकी ब्रेन तक और आपकी ब्रेन को फ़ौर से पता चल जाएगा कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से लगा है या किसी ठंडी चीज़ से इस तरीके से आपकी बॉडी को डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं जैसे सर्दी में आपकी बॉडी कप कप आती है तो आपकी स्किन जो है वो आपके आउटर इन्वायरमेंट के साथ लिंक होती है कनेक्टेड होती है बाहर से जब ठंडी हवा आपकी स्किन पर लगती है तो वो फ़ौर से ब्रेन को मैसेज पहुंचा देती है और उसके बाद आप अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करते हैं सो स्किन की तीन लेयर्स होती हैं तीन तहें होती हैं पहली लेयर को हम क्या कहेंगे एपिडर्मस ये सबसे बाहर वाली जो स्किन जो आपको नज़र आती है ये आपकी क्या है एपिडर्मस है ठीक है ये एक रेन कोट की तरह काम करती है जैसे आप अक्सर अपनी हाथ धोते हैं ना अगर आप अपने हाथ खुश्क ना भी करें तो कुछ देर बाद आपका के हाथ जो है वो खुश खुद बहुत खुश्क हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाटर प्रूफ लेयर है वाटर को एब्जॉर्ब कर देती है डरमिस सेकेंड पार्ट है जब आपकी जो आउटर स्किन जो आपको नज़र आ रही है उसकी नीचे वाली जो लेयर है वो डर्मिस है ये थोड़ी सी थिकर होती है आ, एपिडर्मिस से इस लेयर में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ब्लड वेसल्स स्वेट ग्लैस रूट्स ऑफ हेयर एंड नर्व एंडिंग्स अच्छा वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ब्लड वेसल्स जो खून की नालियाँ हैं जिनमें जैसे रगे जिनको आप कहते हो वो आपकी डर्मिस में मौजूद होती हैं ठीक है ठीके? इसके अलावा कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं एक ऐसे हदूद होते हैं जो स्वेट पसीना जो है वो सिक्रीट करते हैं जैसे अगर आप कोई भी काम करते हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको फ़ौर से पसीना आता है तो ये पसीना जो है स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करते हैं इसी तरह आपके हाथों पर या आपके जिसम पर जब बाल होते हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वो भी इसी डर्मिस में पाई जाती हैं सो नेक्स्ट जो है वो क्या है ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं वो प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को हिजाइत देती हैं आपकी जो है वो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं पसीना ताकि आपका कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रह सके मेंटेन रहे अब यहाँ पर इन्होंने एक स्किन की डायग्राम शो की हुई है यहाँ पर देखिए आपको जो ब्लू उसमें शो हो रही है ऊपर वाली ये एपीडर्मस है ठीक है एपीडर्मस जो आउटर लेयर है जिसके ऊपर क्या होती है आपका जो पानी को एब्जॉर्ब करती है इसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो क्या है डर्मिस है ठीक है वो थोड़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू एपिडर्मिस यहाँ पर देखें बालों की जो रूट्स की जड़ें हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी हैं यहाँ पर कुछ नर्व्स भी हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं रेड सी ये ब्लड वेसल्स हैं खून की नालियाँ हैं इनके अंदर खून जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और यहाँ पर देखें कुछ ग्लैंड आपको नजर आएगा ये स्वेट ग्लैंड है ये आपका स्वेट जो पसीना है वो सिक्रीट करते हैं और वो फिर यहाँ से जाता हुआ इधर आपकी एपिडर्मिस तक पहुंचता है और फिर आपको फील होता है ठीक है सो ये है आपका स्किन uh, का स्ट्रक्चर इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो है हाइपोडर्मिस ठीक है अच्छा डर्मिस लेयर में एक डिफरेंट एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपकी बॉडी को कोई चोट पहुंची है तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो आपको आ, फील करवाते हैं आपको दर्द होता है ठीक है तो इस टाइप के रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है विच गिव सेंसेशन अबाउट पेन और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं टेम्परेचर रिसेप्टर्स टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो आपके ट मतलब आप किसी भी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को टच करें तो आपको फील होता है ठीक है सो थर्ड लेयर के बारे में पढ़ते हैं थर्ड लेयर का क्या नाम है हाइपोडर्मिस जो कि डर्मिस के नीचे मौजूद होती है सबसे अंदर वाली लेयर होती है स्किन की इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर इन आवर बॉडी एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एन सन रेज स्ट्राइक ऑन आवर स्किन द प्रोसेस प्रोसेस इज टूमलेटेड टू फॉर्म वाइटामिन डी सो दिस इज़ द मेन साइट ऑफ वाइटामिन डी प्रोडक्शन अच्छा इसमें क्या होता है कि ये आपकी बॉडी को का जो टेम्परेचर होता है दर्जा हरारत है उसको बरकरार रखती है मेनटेन रखती है इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट जिसको हम क्या कहते हैं वाइटामिन डी वो भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है किस तरह से जैसे आपको जब आपकी बॉडी अगर सन की तरफ एक्सपोज है ठीक है तो सन रेज जो सूरज की शुआएँ हैं वो आपकी स्किन के साथ आकर टकराती हैं और फिर एक विटामिन डी जो न्यूट्रेंट है उसके बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है सो so, इसका क्या मतलब हुआ कि हाइपोडर्मिस में विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है सो so, हमने स्टूडेंट्स स्किन के बारे में पढ़ा है कि स्किन की तीन लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस uh, सबसे ऊपर वाली लेयर डर्मिस उसके बाद सेकेंड लेयर और थर्ड जो है वो हाइपोडर्मिस और आपने देख लिया होगा कि तीनों लेयर्स का अपना अपना फंक्शन है और ये आपकी आपकी एक कंप्लीट स्किन बनाती हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेकेंड लेक्चर पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को टू टू थ्री टाइम्स रिवाइज करवाएँ ताकि वो आसानी से टॉपिक को समझ सकें शुक्रिया